दोस्तों, क्या सीडीएन आपके लिए ज़रूरी है? ऐसा जो है, आप बहुत सारे ब्लॉगर जो है अपने बारे में सोचते हो कि हमें जो है सीडीएन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है वो आपकी वेबसाइट को जो है स्पीडी बना देता है, यानी कि उसको लोड होने में मदद करता है किसी और कंट्री में। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है सर्वर किसी पार्टिकुलर कंट्री का ले लिया है, जैसे मान लो कि यूएसए में हो, आपने यूएस का सर्वर ले लिया है होस्टिंगर से। अब आपको जो है रैंक कर आपकी वेबसाइट जो है कहीं और ओपन हो रही है, ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वो जो है पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड में आपकी वेबसाइट जो है चलेगी। सो वहाँ पर क्या होता है गाइस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को ईजिली लोड होने में। अगर आपके पास एक पार्टिकुलर सर्वर यूएस का है, आपकी वेबसाइट को कोई वेनेजुएला या फिर कनाडा कहीं और ओपन कर रहा है गाइस, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स होने में समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास एक सीडीएन है तो वो काफ़ी मदद करता है आपकी वेबसाइट को लोड होने में। देखिए, सीडीएन के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है गाइस, इसलिए आपको जो है सीडीएन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो आपके पास जो है क्लाउड फेयर का सीडीएन आपको मिल जाता है जब भी आप किसी वेबसाइट को बाय करते हो। मैंने तो सीडीएन को बाय किया था, सो मैं आपको बता दूं कि सीडीएन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट को पार्टिकुलर एक कंट्री में लॉन्च करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आप जियो टारगेटिंग कर सकते हो। आप सर्च कंसोल में जाओगे, वहाँ पर आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग में जो है आप एक कंट्री को जो है मतलब टारगेट कर सकते हो। जैसे आपने यूएसए वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो वो सिर्फ यूएसए में ही टारगेट होगा, ठीक है। सो वहाँ पर जो है देखिए, वहाँ पर क्या है ना कि आपने यूएसए को टारगेट किया और आपके पास यूएसए का सर्वर है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यूएसए में आपके जो वेबसाइट्स होगी वहाँ पर लोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर वही वेबसाइट अगर इन्फॉर्मेशनल है और दुनिया में जा रही है, तो आपको जो है सीडीएन मदद करता है। सीडीएन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अब एक और लोग होते हैं कैटेगरी के जिनको सीडीएन की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपने इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट बना दी है और वो वेबसाइट आप पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हो, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में आपको जो है इंटरनेशनल टारगेटिंग में जा करके वहाँ पर किसी कंट्री को नहीं चूज करना है। गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पर अनलिस्टेड कर दो। अगर आप अनलिस्टेड कर दोगे तो इसका मतलब गूगल समझेगा कि ये जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड जो है टारगेट करने वाला है। और अगर आपने जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है ब्लॉग को कंटेंट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर एचआरएफ्स का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि गूगल को बताइए, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे सर्च कंसोल में। गाइस ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको इसके पहले दिखाया था वहीं पर। तो वहाँ पर जो है आप लैंग्वेज को जो है अपने हेडर सेक्शन में जाकर के सबमिट कर सकते हो, जिससे गूगल के क्रॉलर्स को समझ में आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट कौन से लैंग्वेज में है। सो इस तरह से आप वर्ल्ड वाइड टारगेट करोगे और ऐसे कंडीशन में आपको सीडीएन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो मेरी समझ से जो है, अगर आपको एक पर्टिकुलर कंट्री में सिर्फ अपनी वेबसाइट को रन करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट को, कि वहीं से मुझे ट्रैफिक आए, आपने उसी कंट्री के नाम का डोमेन ले लिया है, यानी कि .uk जैसे यूनाइटेड किंगडम में चलाना है, तो वहाँ पर सीडीएन की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि आपने वहीं का सर्वर ही ले लिया है, ठीक है। सो आपको वेबसाइट वहाँ पर ईजिली चल जाएगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया से आपको ट्रैफिक चाहिए और अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट स्पीडी हो और जल्दी लोड हो, तो इसके लिए आपको जो है सीडीएन की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास अगर एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है तो। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बात समझ में आई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना, मैं इसका जो है प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा बातों से कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल बना दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू गाइस।